नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। एक तरफ सरकार आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण विधेयक को सदन में पास कराने की जद्दोजहद में लगी हुई है, वहीं गाजीपुर जनपद के युवा इस बिल की सार्थकता पर मिली जुली सोच रखते हैं। आज हमने गाजीपुर के पीजी कॉलेज के युवाओं से बात किया, उनका इस मसले पर क्या राय है आइए जानते हैं। फ़र्क तो बहुत पड़ेगा और ये सबसे अच्छा मतलब अच्छा सुनहरा अवसर है कि आरक्षण जारी होगा सामान्य वर्गों के लिए, और इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं मतलब जनरल कास्ट के, उनके लिए जो कंपटीशन है, जो कंपटीशन हो रहा है उसमें भी बहुत काफ़ी सुधार आएगा। जो सरकार का तो काफ़ी एक अच्छा कदम है सामान्य वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि सामान्य वर्ग ऐसा नहीं है कि सारे वर्ग को, पहले था ऐसा कि एक वर्ग को काफ़ी नीचे छोड़ दिया जा रहा था और बाकी वर्ग को उठाया जा रहा था। तो पहले की परिस्थितियाँ काफ़ी अलग थी, सामान्य वर्ग काफ़ी हर तरह से परिपक्व था अपनी सारी चीज़ों को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन इस आज की जनरेशन में सामान्य वर्ग काफ़ी नीचे जा चुका है, तो इसको भी एक काफ़ी अच्छा टच मिलेगा, ऊपर आने का एक मौका मिलेगा। ये निर्णय तो एक्चुअली बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, जब भारत आज़ाद हुआ था तभी से ले लेना चाहिए था, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग थीं। जब एससी एसटी या फिर लो कास्ट के जो लोग थे उनको ज़रूरत थी, लेकिन उसके साथ साथ ही जो हाई लेवल कास्ट के जो लोग थे उनको भी इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि वो कुछ उसमें भी जो थे गरीब थे। जाहिर सी बात है, हर इंसान तो अच्छे परिवार में पैदा हो नहीं सकता, तो उनमें भी कुछ लोग गरीब थे जो अपनी मेडिकल कंसल्टेंट्स या फिर हेल्थ या फिर एजुकेशन के लिए अपनी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर सकते थे। सर, इस पर मेरी ये व्यू है कि जो इकोनॉमिकली हमारा वीकर सेक्शन है उसको थोड़ा सा हमें चांस देना चाहिए ताकि वो ऊपर ग्रोथ करें अपना। एक तरफ से देखा जाए तो सर इसमें मतलब चुनावी मसला भी है, क्योंकि इतने दिनों से जो हमारी वैकेंसीज थी सब बंद थी, डाउन की गई थी, लेकिन इस टाइम पूरे एक बार पूरी वैकेंसी एक ही साथ ला दी गई, तो यहाँ पे देखा जाए तो पॉलिटिकल मैटर भी है। सर, ये जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए तो हम देखें तो सही है, लेकिन जो सवर्णों को 10% आरक्षण के मामले पर जनपद के कुछ राजनीतिज्ञों ने क्या कहा आइए जानते हैं। इस समय आरक्षण देना कैसे लागू करा देंगे, कैसे इसे पालन करा देंगे, कितनी संवैधानिक संकट है इसको। तो 93 में मुलायम सिंह जी ने, जब सपा बसपा गवर्नमेंट बनी थी, तो रामाशंकर कौशिक के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था, जिस तरह बीबी मंडल के आयोग का गठन हुआ था, कि आप जो अपर कास्ट के जो बड़ी जाति के गरीब है उनको भी हम 10% आरक्षण दें। तो ये बात मुलायम सिंह जी और समाजवादियों ने हमेशा जिस पिछड़ों की बात किया है, दलित की बात किया है, पास हो जाना चाहिए। ये बताइए, ये पहली बार हुआ है? ये कांग्रेस ने भी एक बार किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे बिना संविधान में संशोधन किए आप आरक्षण दे नहीं सकते। संविधान में संशोधन कब करेंगे? आपके पास पार्लियामेंट का टाइम नहीं है। आप लास्ट सेशन 4.5 साल पहले कहाँ थे आपको तब याद नहीं आई? और जब आपकी सरकार जाने वाली है, और जब आपको 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद जब आपको चुनाव में आना है, तो आप ये कौन सा लॉलीपॉप दे रहे हो? ये